हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? तो मेरे पास आज फिर है बोट रोकर्स का 2238 मॉडल नंबर है, ये नेक बैंड है। तो इसकी क्वालिटी यार सच में अच्छी है, मैं खुद तो यूज़ कर ही रहा हूँ। और आज मेरे पास ये मतलब चूहे ने काट दिया था इसका वायर, तो इसको मैं रिपेयर कर रहा था। तो मैंने देखा यार इसका ये जो है ना ये पीस, ये भी मतलब अलग से निकलता है। एक बार जो अचानक से निकल गया, मुझे लगा शायद ये तो गया अब, लेकिन ये अलग से मतलब इसमें फोल्डिंग मतलब फोल्डिंग सिस्टम है, ये अलग से निकल जाता है। तो ये मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ ये निकलता कैसे। ये जो है ना, अभी इसको ऐसे खींचा था ये निकल गया था। तो ये, और ये फिर ऐसे लग भी जाता है परफेक्ट। और इसको भी मैं खोल रहा हूँ वैसे सर्जिकल ब्लेड की मदद से, इतना तो खुल चुका है अभी। और इसको अभी पूरा ही खोलना क्योंकि स्पीकर ये नहीं बज रहा है। यहाँ से मैंने कनेक्शन किया था तो एक बार तो बजा था, फिर कनेक्शन पूरा करने के बाद ये बजना ही बंद हो गया। खुल तो जाना ही चाहिए, खुलता तो ऐसा ही है। फाइनली ये खुल गया। तो ये था अभी इसकी वायरिंग, चेक करते सर कहाँ से गड़बड़ है। तो मल्टीमीटर को हम रखेंगे कंटिन्यू मोड पे और इसकी वायरिंग चेक करेंगे कौन सी, कोई वायर तो फॉल्ट नहीं है। रेड है तो रेड को हम रेड में टच करेंगे, भी रेड का कंटिन्यूटी आ रहा है। वाइट, ओके, वाइट नहीं आ रहा। बाबा क्या मैं स्पीकर चेक कर लेते हैं। स्पीकर से ही इसका मतलब, इसका जो ये व्हाइट वाला तार जो है इसमें फॉल्ट है। तो इसको चेंज करने के बाद ये टन टन बजने लगेगा। थैंक यू बाबाई। फाइनली इसे जोड़ने के बाद अभी ये मैंने इसको, ये जो पीवीसी है वो चार्जर का, जो पीवीसी चार्जर का जो वायर होता है डेटा केबल का, उसको काट के मैंने इसमें घुसा के और इसको मैंने दोनों तरफ से फेविक्विक से जाम कर दिया है। और इसमें भी परमानेंट मार्कर से इसमें मैंने कलर कर दिया इसको। अभी देखिए टन टन बज रहा है मस्त। तो ये था बोट रॉकर्स का 238।